क्या कुछ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो सही। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आप पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार का ये पहला बजट है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस बजट पर सबकी उम्मीदें। संसद भवन से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बजट के लिए पहुंच चुके हैं और 11 बजे जैसे घड़ी की सुई 11 बजाएगी वैसे ही बजट पेश हो जाएगा। और संकल्पों का बजट, संभावनाओं का बजट, उम्मीदों का बजट, क्या कुछ होने वाला है मध्यम वर्ग के लिए, क्या कुछ होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टूरिज्म सेक्टर को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, क्या कुछ संभावनाएं उभर कर सामने आ सकती है। लेकिन कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि बजट पेश होने वाला, इससे पहले बजट को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्री अपनी कुछ बात कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे राज्य से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है और हर बजट में हमारे जैसे हिमालय राज्यों को और विशेषकर उत्तराखंड राज्य को हमेशा सौगात मिलती रही है, इस बार भी मिलेगी। और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी झलक दिखाई देगी और 5 सालों में नई जो चुनी हुई सरकार, जो ऐतिहासिक सरकार है, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनी है, ये बड़ी बात है। और इस तीसरी बार की सरकार का ये 5 साल किस दिशा में जाने वाला है, देश को बहुत तेजी से विकास की ओर ले जाने का जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ लिया है, इस बजट में दिखाई देगा। तो अगले 5 साल की दिशा में जाने वाले विकास को लेकर उस बजट में झलक मिल जाएगी। उस समय की एक बड़ी खबर आ रही, कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी कि जो कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर पहले चल रही थी वहां पर जो बजट प्रस्ताव पेश किया गया उसको मंजूरी मिल गई। इससे पहले हमने देखा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक पूरी प्रक्रिया होती कि पहले राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति से मिलती है, बजट की एक कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, उसके बाद पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट में कैबिनेट की बड़ी बैठक होती है, कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और अब से कुछ ही मिनट बाद देश का बजट पेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा इस बजट को लेकर, केंद्रीय बजट को लेकर, वो भी सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये बजट जो है विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। कल जो सर्वे आया है, खासतौर से कल जो उन्होंने आर्थिक स्थिति का प्रस्तुत किया है, उससे साफ जाहिर है कि हमारी विकास की दर जो 6.5 थी वो 8.2 हो गई, बेरोजगारी की दर जो है वो भी कम हुई है और हर तरह से हमारी आर्थिक गतिविधियां स्ट्रेंथन हुई हैं। मनोज जी, अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होने वाला, लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा, जो गैप है क्या उसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत के, विकसित देश जो होते हैं उनकी प्रतिव्यक्ति आय भी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर स्कीम्स जो है बहुत तेजी से फंक्शन करती है, काम करती है, क्या वो जो गैप है, गैप में भी कमी लाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर गैप में कमी लाई जाएगी। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, मोदी सरकार जिस मॉडल पर काम कर रही है वो विकसित देश जो आज के हैं उस मॉडल से काफी भिन्न काफी भिन्न है। उसका रीजन क्या है कि हम समावेशी हो रहे हैं, जबकि जो विकसित देश हैं प्रति व्यक्ति आय जरूर ज्यादा है लेकिन उनके यहाँ आय का अंतराल लोगों के बीच बहुत ज्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं इनइक्वलिटीज, वो बहुत ज्यादा है। भारत में भी आज हम देखते हैं तो भारत में जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, अब विकास का जो लॉ आ रहा है कहां से आ रहा है, वो वर्ग जो कल तक वंचित ग्रुप था, 25 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा के बाहर जाते हैं और वो मिडिल क्लास में शामिल होते हैं, ये भारत की ग्रोथ का एक नया जो है पैरामीटर तय करते हैं। और ये चूंकि एस्पिरेशनल होते हैं, महत्वाकांक्षी होता है मिडिल क्लास, जिस कंट्री का मिडिल क्लास ज्यादा होगा उसका विकास तीव्र और टिकाऊ पोषणीय होगा, नंबर एक। नंबर दो, विकसित भारत जो बनना है हमें, हम उनके मॉडल से भिन्न बन रहे हैं क्योंकि हम पर्यावरण और क्लाइमेट की सुरक्षा, इस पर तो कभी हम लोग चर्चा ही नहीं कर पाते हैं कि हजारों नदियां जो लुप्त हो गई थी, हजारों झीलें जो लुप्त हो गई थी, मोदी सरकार ने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया,